आज आप लोग को बुलाया गया था, समझ दिया गया था, क्यों नहीं आए, जबकि उसी जगह पे आप आए हैं, क्यों नहीं आए? हमने 9 दिसंबर को ही ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन को ये स्पष्ट रूप से कहा था कि 13 अप्रैल के अंदर आएंगे, लेकिन ईओडब्ल्यू के पास सिर्फ 2000 रुपये की एफआईआर सेना सरकार के मंत्री और नेताओं के दबाव के अंतर में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। फिर भी हम इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। किरीट सोमैया जी का 5 पेज का डिटेल स्टेटमेंट विथ एनेक्शर्स हमने आज ईओडब्ल्यू को सबमिट किया है। मुझे लगता है कि वो पूरे स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इसके बाद भी अगर उनको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हम इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे और आगे भी उनको सहयोग करते रहेंगे। इसके अंदर जो आरोप लगाया गया है तो पांच पेज के आरोप में हमने 5 पेज के रिपोर्ट में हमने पूरे डिटेल में 2013 से हम कब कब किन किन को मिले, किस तरह से सिंबॉलिक कार्यक्रम चर्च के स्टेशन पे किया, किस तरह से लोकसभा में किरीट सोमैया जी ने प्रश्न उठाया था, किस तरह से उस समय के डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस ने उसका जवाब दिया था, उस समय के डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने उसका जवाब दिया था, और किस तरह से हमने 17 दिसंबर को महामहिम जी को एक शिष्टमंडल के अंतर्गत मिले थे, और आज जिन्होंने आरोप लगाया है वो स्वयं उस शिष्टमंडल में महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के साथ बिल्कुल बगल में खड़े हैं। यह जो विक्रांत को बचाने की जो मुहिम थी इसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के नेता थे, और हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें शिवसेना के नेता जिन्होंने तथ्यहीन आरोप लगाया हुआ महामहिम राष्ट्रपति जी के बिल्कुल बगल में खड़े हैं। शिवसेना के अन्य नेता हैं, स्वर्गीय गोपीनाथ जी मुंडे हैं, और बाकी बीजेपी के नेता इसमें दिख रहा है। इसीलिए यह पूरा ही FIR और पूरा ही आरोप तथ्यहीन है, उस पर कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी पुरावा नहीं है। जानबूझकर, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ 2000 रुपए का FIR शिवसेना के दबाव तंत्र के अंतर्गत ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर किया गया। क्या स्टेटमेंट के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा की जो रुकी थी, इस प्रकार से कोई किसी को कानून के अंतर्गत में कहीं पर भी उनको अनट्रेसेबल बताया नहीं गया है, और वो बिल्कुल यहीं पर ही है, इसीलिए उनको अनट्रेसेबल कहना ये इल्लीगल होगा, बेकायदेशीर होगा। क्या 50 करोड़ से ज़्यादा की जो रकम है जिसके बारे में बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में आप लोगों ने इस पर पूरा बताया, इसका हिसाब बताया कि कहाँ गया वो पैसा, या वो रकम थी भी या नहीं थी, या क्या एक्चुअल रकम कितनी थी? 50 करोड़ का जिन्होंने आरोप लगाया है, और जिन्होंने आरोप लगाया वो सिद्ध करे, इसीलिए हमने कहा कि जिन्होंने आरोप लगाया वो स्वयं महामहिम राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति जी के साथ थे। जिन्होंने आरोप लगाया वो सिद्ध करे। FIR में भी स्पष्ट लिखा गया है कि जिन्होंने FIR किया है उन्होंने कहा है कि मेरे पास 2000 रुपये थे, मैंने 2000 रुपये उस डब्बे में डाल दिए, और मुझे मीडियम माध्यम से पता चला कि 57 करोड़ जमा हुए हैं, इसीलिए मैं FIR करने आया हूँ। तो ये स्पष्ट दिखता है कि FIR सिर्फ 2000 रुपये का है, 57 करोड़ का जिन्होंने कंप्लेंट